झारखंड का साहेबगंज जिला सुदूरवर्ती जिला है और साहेबगंज जिला प्रत्येक वर्ष बाढ़ के चपेट में आता है और प्रत्येक वर्ष जो है हजारों घर जो है इस बाढ़ के चपेट में तबाह हो जाता है, करोड़ों रुपए का संपत्ति बर्बाद हो जाता है। मैं बता दूं कि गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, बनारस से लेकर फरक्का तक गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। अगर आज की रिपोर्ट अगर माने तो केंद्रीय जल आयोग के अनुसार जो है साहेबगंज का गंगा का जल स्तर जो है 25.25 सेंटीमीटर है। मैं बता दूं कि जो खतरे का जो निशान है 26.25 लगातार उसकी तरफ बढ़ता जा रहा है। इस बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मूड में है। इसको बैठक कर जो है पूरी रणनीति बनाई गई है कि किसी भी तरह का जो है अनहोनी ना हो, उसको दियारा क्षेत्र से लोगों को सुरक्षित तरीके से लाया जा सके, उन्हें राहत सामग्री पहुंचाई जा सके, जो मवेशी हैं उसकी भी चारा की व्यवस्था किया जा सके। तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन भी पूरी तरह से कमर कस चुकी है। बाढ़ के लिए हम लोगों ने अभी बैठक भी की थी और उसके संदर्भ में सभी जो संबंधित विभाग हैं जैसे सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, स्कूटिंग इंजीनियर, PhD, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब लोग जिनसे संबंधित है ये समस्या, तो उन सबको जैसे बैठक की गई थी और सबको निर्देश दिया गया है डीजी साहब के स्तर से और सबको टास्क असाइन कर दिया गया कि इनकी तैयारी के लिए किनको क्या क्या करना है और उसके अकॉर्डिंगली जो है उनसे रिपोर्ट मांगी गई है ताकि फिर से तैयारी का जायजा लेके हम लोग आगे इस पर और काम कर सके और सुदृढ़ बना सके ताकि लोगों को बाढ़ के समय कम से कम परेशानी हो। शिवशंकर कुमार, ET भारत, साहेबगंज।